नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांट प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें ग्वालियर चंबल क्लस्टर का प्रभारी नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। इसी तरह इंदौर का कैलाश विजयवर्गीय, जबलपुर का प्रहलाद सिंह पटेल, उज्जैन जगदीश देवड़ा, सागर का भूपेंद्र सिंह, रीवा का राजेंद्र शुक्ल और भोपाल क्लस्टर का प्रभारी विश्वास सारंग को बनाया गया है। ये सभी केंद्रीय क्लस्टर प्रभारियों के मार्गदर्शन में काम करेंगे। तय किया गया कि केंद्रीय पद अधिकारी क्लस्टरवार अलग अलग बैठकें करेंगे। जहां पार्टी कमजोर है उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये काम मजबूत, कमजोर और औसत सीटों की ग्रेडिंग के आधार पर अमल में लाया जाएगा। क्लस्टर प्रभारियों के साथ अगली बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में 146 क्लस्टर बनाए हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा के चुनाव हार जाने के बाद भी उन्हें पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।